गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल इजी मेकअप लुक शेयर कर रही हूं। अगर आपको किसी भी पार्टी, मैरिज फंक्शन और कहीं भी बाहर जाना है तो आप भी इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फेस को क्लीन करके टोनर और मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ और ये है ब्लू हेवन का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। ये स्किन पोर्स और फाइन लाइंस को इजीली फिल करता है और इसके यूज से हमारे मेकअप में एक सिल्की स्मूथ फिनिश आती है। इसके बाद मैं ऑरेंज करेक्टर को यूज करूंगी, जिसके लिए मैंने यूज किया है ये एलेगल प्रो कंसील ऑरेंज करेक्टर। इसे आप अपने अंडर आई एरिया और अपने लिप्स के अराउंड एंड जहां पर भी आपको डार्क स्किन टोन, रेड पैचेस, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज कीजिए। और अगर आपके फेस में एक्ने पिंपल्स हैं या उनके मार्क्स हैं तो आप उन्हें क्रीम करेक्टर के साथ करेक्ट कीजिए। ये प्रो करेक्टर एकदम नेचुरल कवरेज देता है और आपके अनइवन स्किन टोन, डार्क सर्कल्स और फाइन लाइंस को इजीली कवर कर देता है। करेक्टर यूज करने के बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, क्योंकि अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपने स्किन से एक शेड लाइट कंसीलर यूज कीजिए। इससे आपके आईज के डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस वगैरह सब इजीली कवर हो जाएंगे और इसके बाद आप आई मेकअप भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाई किया है मैंने फेसेस कनाडा का वेटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन। ये एक लाइट वेट फाउंडेशन है और ये आपको 4 शेड्स में अवेलेबल है और यहाँ पर मेरा शेड है नेचुरल 02। ये फाउंडेशन काफी लाइट वेट है। ये फाउंडेशन केवल डेली यूज के लिए ही बेटर है। अगर आपकी स्किन में ज्यादा दाग धब्बे हैं तो ये उन्हें कवर नहीं कर पाएगा। अगर आपको सिर्फ एक नेचुरल फिनिश चाहिए तो आप इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं फाउंडेशन को कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट कर लूंगी। ये फेसेस कनाडा का वेटलेस स्टे मैट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर है। नेक्स्ट मैं आईब्रोज को आईब्रोज जेल से फिल करूंगी। इसके लिए आपको स्ट्रेट एंगल ब्रश लेकर हल्के हाथों से अपने आईब्रोज को फिल करना है और फिर स्पूली की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करके एक परफेक्ट शेप दूंगी। नाउ मैं मेकअप रेवोल्यूशन क्लूएस एक्स की आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें आपको काफी पिगमेंटेड शेड्स मिलते हैं। इस पैलेट में आपको अल्ट्रा मैट, सिमरी, वेलवेटी शेड्स अवेलेबल हैं, जो आपके आईलिड्स के ऊपर अच्छे से ट्रांसफर होते हैं और आंखों को एक ब्यूटीफुल लुक देते हैं। इसके जो कलर्स हैं वो काफी पिगमेंटेड एंड स्मूथ हैं। इसके साथ ही इसका जो भी टेक्सचर है वो काफी क्रीमी है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल। ये प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। इसके साथ ही ये वाटरप्रूफ और स्मच प्रूफ भी है। इसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन में अप्लाई करूंगी और उसके बाद मैं इसे हल्का हल्का अपर वाटर लाइन में भी अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फेसेस कनाडा का मैग्नेट आईज आईलाइनर। अगर आप बिगनर्स हैं और आप फर्स्ट टाइम आईलाइनर का यूज कर रहे हैं तो आप इसे मस्ट ट्राई कीजिए। ये क्विकली ड्राई होने के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है और ये इंटेंस ब्लैक फिनिश देने के साथ साथ स्मूथली ग्लाइड भी होता है। ये आईलाइनर फाइन टिप्स के साथ आता है, जिससे कि आप इजीली डिफरेंट स्टाइल में आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन का एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा। ये एकदम लाइट वेट है और वाटरप्रूफ फॉर्मूले के साथ अवेलेबल है। इसका एप्लीकेटर एकदम सॉफ्ट है और ये आपकी लैशेस को फुल वॉल्यूमाइज करता है। नेक्स्ट यूज कर रही हूँ NYB की ऑल इन वन स्टिक। इसमें काफी शेड्स अवेलेबल हैं। इस स्टिक्स को आप एज अ फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर एंड कलर करेक्टर की तरह इजीली यूज कर सकते हैं। मैंने जो शेड लिया है इससे मैं अपने फेस में कॉन्टोरिंग करूंगी। ये क्रीमी मैट फिनिश देता है और ये इजीली ब्लेंड भी होता है।
ये आपके एजेस को शार्प एंड लिफ्टेड दिखाता है। इसके बाद मैं ब्लश और हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। फाइनल लुक के लिए मैं अपनी लिप्स को फिल करूंगी इससे कुर्की की बदास लिपस्टिक के साथ। इसमें मैं पिंक शेड कार्निवाल ऑफ प्लस 78 यूज कर रही हूँ। ये काफी पिगमेंटेड है। इसके साथ ही आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है, लेकिन ये ट्रांसफर रेसिस्टेंट नहीं है, ये हल्का हल्का ट्रांसफर होता है। और लास्ट में मैं सेटिंग स्प्रे के साथ अपने मेकअप को सेट कर लूंगी। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।